अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप साहब। तो आज मौसम आप देख सकते हैं, अभी तक दिखाते थे सर्दी हो रही है सर्दी हो रही है, लेकिन आज हो रही है बारिश। तो कल से ही ऐसा मौसम है। कहाँ पे? नहीं, बारिश में गीले नहीं कपड़े पहनाए ना। अभी थोड़ा सा नहीं आ रहा, अगर तेज आया तो जो हम काम करने के लिए आज छत पे आए हैं, इतने पूरी सर्दी है और सोचते सोचते निकलेंगे चूल्हे पे खाना बनाएंगे। तो आज फाइनली हम लोग ऊपर आ गए हैं, क्योंकि गुलाब सा आई है घर पे, नाजिया और अक्सरा। तो हमने सोचा चलो आज चूल्हे पर बना लेते हैं। तो हम लोग बनाने वाले हैं मटन पुलाव। तो ये हमारा सारा सामान रखा है, मटन मैंने फ्लोकर रख लिया है। मटन उबाल के रख लिया है। तो यहाँ पे ननद भाभी लगी है आग जलाने के लिए। एक कोशिश हो रही है चूल्हा चलने की, क्योंकि हमारे पास लकड़ियां है ना कुछ ऐसी हैं, ये मोटी वाली जो कि भट्टी में जलाई जाती है, भट्टी बोलते हैं, तंदूर में जलाई जाती है, लेकिन चूल्हे लायक नहीं है। लेकिन देख रहे हैं जल जाती है तो ठीक है। इनाया गीली नहीं हो, इधर आ जल्दी जल्दी। इन्नू तो यहाँ पे भुन गया है हमारा मसाला, बढ़िया से आग चल रही है क्योंकि इधर सपोर्ट है ना इसलिए। और ये अच्छा रहा ना, बारिश भी हो तो भी हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। काम कर सकते हैं। वो सीपरी में जब खाना बनाते थे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी, है पन्नी लगाते थे पानी रोकने के लिए, हवा रोकने के लिए। और जहाँ पे छत पे गोश्त डाल उसमें उठा के, हमारा मटन ले लेसन वेसन तो डाल दे। तो यहाँ पे जो पुलाव है वो बनना शुरू हो गया है। ये देखो इसमें चावल पानी सब डल गया है, पर आग बुझ रही है क्योंकि मैंने आग कम करने की वजह से ना उसमें से लकड़ी निकाल दी, तो अब ये बुझ रही है। गुलाब साहब कोशिश कर रही है कि ये जल जाए दोबारा। हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, बारिश होकर बंद हो गई है। देखो बारिश हुई थी काफी तेज लेकिन बंद हो गई है। यहाँ पे इनाया क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो? ग्रैनी ग्रैनी है। अच्छा बिरयानी खाना चाहती है। मैं ग्रैनी खाना चाहती है। ग्रैनी माने होता है भूत। अच्छा और बिरयानी माने बिरयानी 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 माने होता है बिरयानी है वो कौन सी है? हमारी दावत करो, ज्यादा परेशान नहीं हो, बस बिरयानी बना लो है। गुलाब साह की दावत करो तो ज्यादा चिंता मत करो। है गुलाब साह कहा हो गया नहीं चल रही।
खाना माना खाने के बाद अब यहाँ पे आंख में छोली खेल रहे। इन्दु को टीका लग गया। क्या हो गया? लग गई खेलते खेलते। तो अभी खाना वाना हो गया है, अब उसके बाद बारी आ जाती है बर्तन मांजने की। तो यहाँ पे ऊपर ही बर्तन मच रहे हैं आज। ऊपर खाना वाना ऊपर ही खाना खाया और बर्तन भी ऊपर साफ हो रहे हैं। तो चलो अब तैयार हो जाते हैं, चलते हैं घूमने। सामने जगह कैसा धुआं उठ रहा है, ये साइकिल चला। तो अभी 5:30 बज रहे हैं और मौसम कैसा हो गया, बहुत ही खतरनाक। अभी जो है ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो और ज़्यादा सर्दी बढ़ गई, मतलब गर्मी आ गई थी लेकिन सर्दी हो गई है। और ये लोग जा रहे हैं घर, हम छोड़ने जा रहे हैं। ट्रैक्टर आ गया, ले अभी खिला दे इसको। गुलाब कोक नहीं, कोट 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 कोक कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी है, तुमने कोल्ड बोला ना तो कोल्ड कॉफी। अच्छा तो जाएगी पानी वाला सा है जोर से जो इनके पता ही चल रही है, पता नहीं क्यों कुछ हुआ इसलिए इनके। तो ये है कल की वीडियो, आप लोगों को धूप दिखाई दे रही होगी क्योंकि कल मैं गई थी अपनी मामानी के यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले कि मेरी मामानी की लड़की की शादी है, मेरी छोटी बहन की शादी है जिसका कार्ड आया था, तो वही शादी आज से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे यहाँ जब शादी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मीला शरीफ होती है, तो आज मेरी मामानी के यहाँ पर मीला शरीफ है, तो बस वहीं पर जा रही हूँ। और ये कल की वीडियो है तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और आज बढ़िया से धूप खिली है, मौसम अच्छा है, तो बस बच्चे अभी नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल हैं, मैं जल्दी जा रही थी तो बच्चे बाद में आएंगे, तो अभी चलते हैं। गम से आज कितना सुना सुना।
जो तुझसे प्यार करते हैं वो साथी छूट जाएंगे, जो है गम पार तेरे वो पड़ोसी छूट जाएंगे। हमारी याद आ जाए तो झपते गम भी कर लेना, अजीजों के बिछड़ने का नकली दिल भर असर देना। ये घर अब छोड़ना है तुझे और खुशहाल जाना है, मेरी बेटी दुल्हन बन कर तुझे ससुराल जाना है। ये तेरा फर्ज है करना अताअत अपने शौहर की, बहू कहते हैं इसको आबरू होती है जो घर की। हया वा शर्म औरत के लिए अनमोल जेवर है, सभी के जिंदगी कोई नहीं एक तेरा शौहर है। तू करना प्यार छोटों से बड़ों की कदर भी करना, कहे तुझको बुरा कोई तो बेटी सब्र भी करना। चली है आज तक फूलों पे अब कांटों पे चलना है, तुझे सोहर के घर से याद रख मरे कर निकलना है। जमाने की तुरंगी पिजा से दूर ही रहना, मुसीबत हो के राहत हो सदा मसरूर ही रहना। किसी की बात पर जिद अपने शोहर से न तू करना, वो मालिक है तेरा मुश्किल में भी तू इस कदम भरना। संभाले रखना ए बेटी तू अपने आप की इज्जत, के तेरे हाथ में है आज से माँ बाप की इज्जत। तुझे कुछ दे नहीं सकती यही इस आन देती हूँ, बजाए सोने चांदी के तुझे कुरान देती हूँ। अब इससे बढ़ के कोई ऐसी दौलत दे नहीं सकता, समान भर में इसकी कोई कीमत दे नहीं सकता। बलाएं आफतें टल जाती हैं इसकी तिलावट से, खुदा भर देता है दामन को इसकी अपनी रहमत से। नसीहत है मेरी बेटी तू अपने ध्यान में रखना, ये तो फकीमती है पर दाए ईमान में रखना। हमेशा तू नमाजे पंज गाना भी अदा करना, उठा कर हाथ शोहर के लिए हर दम दुआ करना। जियाए हुस्न से पुर नूर तेरी समाए अरमाए, खुशी से जा पिया के घर तेरा मौला निगहवा अपना।
मदद से ले जाना।